स्वागत है रियल हीरो मोटिवेशन में। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिल सके। तो आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय है एकलव्य। एकलव्य ने अपने जीवन में कैसे सफलता प्राप्त की और विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर एकलव्य कैसे बना। तो दोस्तों बहुत मोटिवेट वाली कहानी है, तो आइए शुरू करते हैं। एक बार गुरुकुल में जब गुरु द्रोणाचार्य पांचों पांडवों को शिक्षा दे रहे थे तो उस समय एक व्यक्ति जो कि भील जाति से था वो उनसे शिक्षा के लिए गुजारिश करने के लिए आया कि गुरुदेव मुझे भी आप शिक्षा दीजिए, तीर धनुष कमान की शिक्षा दे दीजिए, मैं भी आपसे विनती करता हूँ। तो उस समय की रीत थी, नियम था कि जो राजकुल के राजकुमार होते थे उन्हें शिक्षा के अलावा और जो सामान्य व्यक्ति होते थे उन्हें वो गुरु जी शिक्षा नहीं दे सकते थे, ऐसा फाउंडेशन था उस समय। तो उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं आपको शिक्षा नहीं दे सकता, मैं आपको धनुष बाण चलाना नहीं सिखा सकता। निराश होकर के वो वहाँ से चला गया, लेकिन जाते हुए एक विचार उसके मस्तिष्क में आया कि क्यों ना गुरु जी को अपना आदर्श मान लिया जाए और क्यों ना अभ्यास किया जाए। अब उसने गुरु जी को अपने मन में एक मूरत के समान बैठा लिया और आदर्श मान लिया और फिर उसने अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसने दोस्तों क्या करा, उसने गुरुजी ने शिक्षा नहीं दी लेकिन उसने अभ्यास जैसे करना शुरू कर दिया, तीर कमान का अभ्यास दिन प्रतिदिन अभ्यास करता था, दिन प्रतिदिन अभ्यास करता था और दोस्तों एक दिन वो अपनी विद्या में निपुण हो गया। इस बात का ज्ञात तब हुआ जब वो पांच पांडव और गुरुजी यानी शिक्षा देने के लिए वन में आ रहे थे तो उनके पास एक कुत्ता भी था और कुत्ते को जब उसने अपने तीरों से भौंक दिया, उसका मुंह बंद कर दिया तो वो हैरत में पड़ गए, आश्चर्यचकित रह गए, भाई इतना धनुर्धारी कौन जिसने कुत्ते का मुंह तीरों से बंद कर दिया। तो देखा तो एक युवक वहाँ सामने प्रकट खड़ा था, बोले आप कौन? महाराज मैं एकलव्य हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बोले एकलव्य, हाँ जी मैं आपके पास शिक्षा के लिए आया था, आपने मना कर दिया था लेकिन आपको ही मैंने एक प्रतिमूर्ति मान लिया था। बोले ठीक है, आपने मान लिया था, वो सक्सेसफुल हो गया। दोस्तों एकलव्य संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, बहुत कम व्यक्ति जानते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, यहाँ अब दूसरा हम पॉइंट लेकर के चलें तो एक विद्यासागर जी थे, उनके पास अभाव था, लाइट नहीं थी उनके घर में, तो वो आप गली में पढ़ते थे और गली में जो स्ट्रीट लाइटें होती थी और उस लाइटों में पढ़ते थे और वो बच्चा पढ़ते पढ़ते एक दिन विद्यासागर बन गया, यानी विद्या का धनी बन गया, विद्या का सागर बन गया। तो दोस्तों एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल माई डियर फ्रेंड्स, यस या नो? एवरीथिंग इज पॉसिबल, प्रत्येक चीज संभव है यदि आपके पास में बस एक चीज है, यदि आपको अपने ऊपर यकीन आ गया, आपने अपने ऊपर विश्वास कर लिया, आपने अपने ऊपर बिलीव कर लिया, क्योंकि मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। दोस्तों यदि आपने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया, अपने मन पर कंट्रोल कर लिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कहते हैं कि करत करत अभ्यास के अरे जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है और सिल पर पड़त निशान। दोस्तों एक रस्सी आते जाते कुएं की मन पर अपना निशान बना लेती है, अभ्यास करते करते एक लव्य सक्सेसफुल हो गया। हम करते क्या हैं, आखिर हमारी असफलता का क्या कारण है? हम शुरू शुरू में बहुत मेहनत करते हैं, घोड़े की तरह तेज दौड़ते हैं, लेकिन जैसे हमारी असफलता हाथ लगती है हम धीरे 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 हमारी एनर्जी घटने लगती है, हमारी हिम्मत टूटने लगती है और हम फिर ये सोचते हैं कि वो और गिरोह से आए हुए लोग होंगे जो सफल हो गए। आप इतिहास उठा करके देखो, थॉमस अल्वा एडिसन सक्सेसफुल हो गया, क्या उसके बॉडी पे कोई निशान ईश्वर ने बना के भेजा था कि तू ही सफल होगा? क्या विद्यासागर जी की बॉडी पे निशान बनाया था कि तू ही सफल होगा? क्या एकलव्य के बॉडी पे निशान लगा के भेजा था कि केवल तू ही सफल होगा? दोस्तों आपको अपनी शक्ति को जागृत करना होगा, आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा और जिस दिन आपने अपने ऊपर विश्वास कर लिया आपको वर्ल्ड की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आगे बढ़ने से रोक दे। दोस्तों आप सक्सेसफुल हो जाएंगे लेकिन आपको क्या है, समस्याओं से हारना नहीं है, क्योंकि विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए, मंजिल तक जाने के लिए। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना और कमेंट्स करके बताना। जब तक एक नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, जब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।